हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शुरुआत करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप पावर बीआई सीखना चाहते हैं तो पावर बीआई पर जल्दी मैं नई ट्यूटोरियल शुरू करने वाला हूं, तो आप पावर बीआई हमारे चैनल पर जाकर के सीख सकते हैं। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहां से विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करता हूं और यहां पर टाइप करना है आपको एक्सेल, पहले से लिखा हुआ है, मैं इसे तो क्लिक कर देता हूं और ब्लैंक डेटाबेस ले लेता हूं। अब आज नया हम कुछ सीखने वाले हैं। देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट का नेम लिख देता हूं। तो यहां लिख देता हूं मैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब सारा शॉर्टकट की सिखाई चुके हैं आपको, तो अब बार बार जा करके कॉलम रिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है, शॉर्टकट की का यूज करते हैं, चूंकि पहले ही बता दिया है Alt H O I। तो देखिए ये रिसाइज हो गया। अब यहां पर कर देते हैं प्राइस, ठीक है, या यूनिट, हाँ प्राइस करते हैं, यूनिट नहीं बल्कि प्राइस, ठीक है। तो ये प्राइस कर दिया हमने, और यहां पर आएंगे तो अब यूनिट कर देते हैं, तो ये हो गया यूनिट, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, प्राइस को मल्टीप्लाई करना है यूनिट से। पहले यहाँ नीचे प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, लाइक कीबोर्ड ले लिया हमने यहाँ पे, फिर यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे कर देता हूँ माउस, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ एलईडी, ये कर दिया एलईडी, ठीक है, कैपिटल लिख लेते हैं, यहाँ पे कर दिया एलसीडी, तो ये सब कर दिया हमने। और फिर यहाँ कर देते हैं एक थंब ड्राइव, ओके, और यहाँ पे कर देते हैं हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क कर दिया, चलिए एसएसडी भी कर ही लेते हैं, एसएसडी यहाँ लिख देता हूँ एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कीबोर्ड की प्राइस 220 रुपए रख लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, नीचे आते हैं, माउस की प्राइस 120 रुपए रख लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, नीचे आते हैं, एलईडी की प्राइस रख लेते हैं 13,000 रुपए, तो ये 13,000 कर दिया, एलसीडी की प्राइस रख लेते हैं हम 7,000 रुपए, तो ये एलसीडी कर दिया हमने, थंब ड्राइव 1200 रुपए का कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, नीचे आते हैं, हार्ड डिस्क कर देते हैं 6,000 रुपए का, है ना, तो ये 6,000 कर दिया, और एसएसडी कर देते हैं 4,000 रुपए का, ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, तो ये यूनिट की बात हम कर लेते हैं। तो यहां पर मान लीजिए 5 यूनिट है, यहां पर 3 यूनिट है, यहां पर 2 यूनिट है, यहां पर 1 यूनिट है, यहां पर 4 यूनिट है, ऐसे ही करके हम यूनिट डालते चले जाएंगे, तो ये यूनिट हो गया, क्लियर। अब समस्या क्या है हमारे साथ, समस्या ये है कि हमको इनको और इनको मल्टीप्लाई करना है। चलिए, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, आप तो जानते ही हैं, ये सारा काम तो बहुत आसान है, कितने समय समय सिखा रहा हूँ। तो ये हो गया इज इक्वल टू से ही कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, सबसे पहले प्राइस सेलेक्ट कीजिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट का, ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्राइस को क्या करते हैं ना, प्राइस का फॉर्मेट बदल देते हैं, हम करेंसी फॉर्मेट में इसको इंडियन करेंसी में बदल देते हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे नीचे, तो ये आपको मिलेगा करेंसी फॉर्मेट, तो ये करेंसी फॉर्मेट में जैसे ही करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और इसको भी हमें करेंसी ही फॉर्मेट रखना है, तो यहाँ पर भी हम फॉर्मेट क्या करते हैं, करेंसी कर लेते हैं, तो ये इंडियन करेंसी में अपने आप आ जाएगा, ये देख लीजिए या गया। अब यहां पर रखना है, अच्छा आप नहीं चाहते हैं ड्रैग करना तो आप इतना पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दीजिए, देखिए सबका आ जाएगा, आ गया, देख सकते हैं ये भी एक शॉर्टकट की है। अब देखिए, अब इतना तो हमने कर लिया, ठीक है, इतना हमने किया, अब हम इसका टोटल करना चाहते हैं, मतलब टोटल का भी टोटल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना है, इज इक्वल टू का निशान लगाना है और क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे इस तरीके से, ये लगाया, और ये पूरे का टोटल हमको करना है, तो यहाँ पे जाइए और पूरा ही टोटल कर लीजिए, ठीक है, ये देखिए इसका टोटल आ गया, इसको मैं एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूं, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं टोटल तो आ ही गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने से अच्छा है कि अगर हमको टोटल का टोटल निकालना है तो कोई और रास्ता अपनाया जाए, तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, मैं आपको वो फॉर्मूला भी दिखाता हूँ, कौन सा फॉर्मूला है ये, इज इक्वल टू यहाँ पे लगाऊंगा मैं सम प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये देखिए सम प्रोडक्ट आ गया। अब आपको करना क्या है, देखिए ये प्राइस जो है ना, इसका टोटल आप टोटल जो है सेलेक्ट कर लीजिए, जितने लीजिए, ठीक है, इसके बाद आपको कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद क्या करना है, ये यूनिट वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, यूनिट वाला सेलेक्ट हो गया। अब इसको बंद कीजिए, ठीक है, और आप कर दीजिए एंटर प्रेस, तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ना इन दोनों में कोई अंतर है क्या, यहाँ पे देखिए इसका भी फॉर्मेट मैं करेंसी कर देता हूँ, करेंसी केवल नहीं है बाकी सब तो ही है, तो ये देखिए अब इन दोनों में कोई अंतर है क्या, देखिए आप खुद देख के बताइए मुझे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो अगर कोई अंतर नहीं है तो ये फॉर्मूला बेटर है कि वो फॉर्मूला बेटर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।